दोस्तों, मैं आपका अपना सुखविंदर सिंह एक बार फिर आपके सामने मैं इस बार रियाज के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। प्रैक्टिस, हम जिस भी प्रोफेशन को पैशनेटली करते हैं, संगीत हो, कला के कई तरह के रूप हैं, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, वो भी कला है, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई डिजाइनर हो सकता है, बहुत सारे काम है जो हम प्रोफेशन के नाम से पैशनेटली करते हैं। तो जब काफी साल पहले जब हमारी शिद्दत शिक्षा की तरफ बढ़ी, लर्निंग प्रोसेस की तरफ जब बढ़ी, तो हमने पूछा कि कोई खास बात बताइए अपने मेंटर्स से। उन्होंने कहा कि आप जिस भी काम को शिद्दत और पैशनेटली यानी प्रोफेशन जो प्रोफेशन है आपका करते हो, अगर उसकी प्रैक्टिस अगर आप एक महीना छोड़ देते हो तो उस फॉर्म को वापस लाने के लिए आपको 6 महीने लग जाते, दोबारा रिसाइकलिंग यानी उसको वापस आपको उस फॉर्म में आने के लिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए 6 महीने लग जाते। मैं डर गया, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं इसलिए भी डर गया कि अगर एक साल छूट गया प्रैक्टिस रियाज तो 6 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे मुझे वो शक्ति, वो वैक्सीन दोबारा प्राप्त करने के लिए। अगर एक साल मैंने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो वो पावर ऑफ दैट वैक्सीन विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट, 6 साल लग जाएंगे। और फिर उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप छोड़े और फिर दोबारा उसको प्रैक्टिस करें और आ जाएगा, वो शक्ति वापस आ जाएगी, हो सकता ना ही आए, ये तो और डरावनी बात थी। उन्होंने कहा था कि जो विद्या यानी सरस्वती माँ, उनका जो टेंडेंसी वो चंचल नहीं होता, उनका स्वभाव, वो अगर दिल से, सोल से, हमारी मानसिकता से अगर निकल जाए तो कभी मुड़ के विद्या वापस नहीं आती। तो मैंने कहा कि मैंने पर्सनली मैंने ये बात कई लोगों के साथ भी शेयर की, कई संगीत से जुड़े लोगों और भी जो दूसरे प्रोफेशन में भी हैं, तो डर गए कि यार अगर 2 साल सिर्फ PRP के चक्कर में ही लगा दिए या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी हथकंडे अपना लिए, और जब परफॉर्मेंस करने का वक्त आया तो आपको पता ही नहीं कि कहां से ये शक्ति, कहां से ये वैक्सीन प्राप्त करनी है, वो अपने आप को उसी फॉर्म में कहां से लाना है, कहां से सुर आएगा, कौन सा ताल चल रहा है, कैसा सुर लगाना है, वो मनोरंजन ही आपके दिल से खत्म हो जाएगा, वो शिद्दत भी गायब, मतलब खुली आंखों से दिन में उजाले में भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो वो आपको उस बीमारी का इलाज ही नहीं मिलेगा, आप प्रैक्टिस छोड़ दी, ना सरगम निकलेगी, ना आलाप, ना मुखड़ा, ना अंतरा, ना साज सुनाई देंगे, ना साज सुर होंगे। तो ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु कहे आप सब तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, और किसी भी अचानक आई मुसीबत के समय आपको अपनी जो रोजाना प्रैक्टिस, उसके कई रूप होते हैं, आप उस प्रैक्टिस को करते भी हैं या उसके बारे में सोचते भी हैं या उसको सुनते भी हैं, ये भी प्रैक्टिस है, कई रूप है। जब आप जुड़े रहेंगे तो कभी भी आप पे कभी आफत आएगी, कभी गला खराब हो जाता है, कभी अचानक आपका मन नहीं होता है गाने का, तो कभी आपको पेट में दर्द है और आपका नाम अनाउंस हो चुका है स्टेज पे, तो तब आपको
उसकी वैक्सीन मिल जाएगी, उसकी वो मतलब वो शक्ति मिल जाएगी अगर आप अपने प्रोफेशन, अपने पैशन को रोजाना रियाज में बदलते हैं, चाहे वो सुन के, चाहे वो उसके बारे में सोच के, लेकिन ज्यादातर वो रिमेन रहता है जब आप उसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। तो करते रहना चाहिए, वरना युग बीत जाएंगे, वो शक्ति, वो वैक्सीन नहीं मिलेगी। वी शुड नॉट मिस अवर प्रैक्टिस, वो हमारी ह्यूमैनिटी है। हम लोगों के लिए गाना गाते हैं, लोगों का मनोरंजन करने के लिए गाते हैं, उनसे विमुख हो जाएंगे, उनकी सेवा भाव ही नहीं रहेगी, तो सुर नहीं लगने वाले, ना ऊंचे ना नीचे, ना बीच के कुछ नहीं, फिर टीआरपी काम नहीं आएगी। वाहेगुरु आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आबाद रहें, मौला हमेशा अच्छी सेहत से नवाजे, बजरंग बली जी आप के सहाय रहें, चढ़ती कला चढ़ो, फतेह सत श्री।